ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरप्शन सिस्ट। ये केरेंजा से सेकंड चैप्टर है ओरल पैथो में, और इस सिस्ट को हम पढ़ते हैं। इसकी डेरिवेशन हमारे पास होती है रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से ही। इसके नेम से ही जैसे कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये इरप्ट से रिलेटेड है, इरप्शन है तो इरप्ट से रिलेटेड है, मीन्स इरप्ट हुई है। और ये ओरल कैविटी में, इरप्ट हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड जो भी ओक्लूजन में, या अगर ओक्लूजन में नहीं तो जो हमारा जॉ होता है वहाँ पे एक बोन होती है, बोन से अगर वो मूव करके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू जिसे हम जिनजाइवा कहते हैं उसके अंदर आ गई है तो समझो वो इरप्ट हो गई है। अब जैसे ही हमारा टूथ स्ट्रक्चर यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू में आके इम्बीट करता है, वहाँ पे ये सिस्ट उसको सराउंड कर लेती है। मीन्स डेंटिजरस में तो हमने पढ़ा था कि वो क्राउन को कवर करती थी बोन के अंदर जब वो इम्पेक्टेड था। जबकि हम इरप्शन सिस्ट की बात करेंगे, सेम यही सिस्ट क्राउन को ही सराउंड करेगी, लेकिन कहाँ पे? सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसकी क्लिनिकल की बात करें, क्लिनिकली हमें ये सिस्ट विजिबल होती है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स सेम एज डेंटिजरस सिस्ट ही होते हैं, स्वेलिंग शो होती है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा अगर इसकी हम बात करें इसकी एपिथीलियम की, तो वो स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथीलियम होती है, ठीक है। और इसमें था हमारे पास, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अब पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट भी देना होता है, तो ट्रीटमेंट इसका कोई एसिड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और क्योंकि जैसे ही ये ओरल कैविटी में इरप्ट हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू में, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये हमारे पास बोन है। अब बोन में यहाँ पे ये जैसे ही टूथ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू में, ये सॉफ्ट टिश्यू है यहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर, ये हमारा टूथ है और ये बोन है। अब जैसे ही यहाँ पे गया है, यहाँ से आपने कोई भी मेस्टिकेटरी फोर्सेस, जैसे ही आप खाना वगैरह डाइट वगैरह खाते हैं, ऊपर से जो दांत का प्रेशर आया है वो इस पे लगा है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है। और रिज़ल्ट क्या हो जाता है, सारा वो जो फ्लूइड होता है इस सिस्ट से वो बाहर को मूव कर जाता है पेशेंट की ओरल कैविटी में, जिसकी वजह से मतलब इस सिस्ट के लिए हमें कोई स्पेसिफिक सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे मैं आपको तीन टर्म्स बताऊंगी, एक होती है ई न्यूक्लिएशन होती है, एक होती है एक्सी